दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक महसूस की जा रही है। मामला किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और इस आंदोलन की आड़ में भारत को बदनाम करने की साजिश का है। इस मामले में पुलिस की गिरफ्त में आई दिशा रवि को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। दिशा की सहयोगी निकिता जेकब और शांतनु की तलाश अभी जारी है, लेकिन पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक की तफ्तीश के बाद जो जानकारी दी है वो बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि 26 जनवरी की हिंसा के साथ साथ भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की एक स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। पुलिस के मुताबिक इस स्क्रिप्ट को तैयार करने में दिशा, निकिता और शांतनु का हाथ था। पर्दे के पीछे विदेश में रहने वाले खालिस्तान समर्थक भी इस ऑपरेशन से जुड़े हुए थे, जिनका कच्चा चिट्ठा जानने के लिए आपको मास्टर स्ट्रोक की यह कवर स्टोरी देखनी होगी। कई साजिशें, टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। अनेक चेहरे, और अनगिनत मोहर। किसान आंदोलन के चूल्हे पर रोटी सेकने वालों की जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, लगातार नए चेहरे और नए मोहरे सामने आ रहे हैं। किसान आंदोलन के बहाने भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने वाले आरोपियों की लिस्ट में अब 3 नए नाम शामिल हुए हैं। इसमें पहला नाम है दिशा रवि का, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरा नाम है निकिता जेकब का और तीसरा नाम है शांतनु। इन 3 चेहरों में दिशा को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि निकिता और शांतनु की तलाश जारी है। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सियासी तूफान खड़ा हो चुका है, लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसके पास दिशा के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद है और दिल्ली पुलिस के आरोप बेहद संगीन भी है। दिशा पर सबसे बड़ा आरोप है कि उसने भारत की छवि खराब करने के लिए साजिश रची। इसके लिए दिशा, निकिता और शांतनु ने एक टूल किट तैयार किया, जिसमें भारत विरोधी गतिविधियों की पूरी प्लानिंग की गई थी। इस टूल किट को ग्रेटा सर्नबर्ग को भेजा गया था और टेलीग्राम ऐप के जरिए टूल किट शेयर किया गया। इसके बाद दिशा ने अपने फोन से बहुत सा डेटा मिटा दिया। पुलिस ने 13 फरवरी को दिशा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्रेंड फॉर फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फोन का काफी डेटा डिलीट किया जा चुका है। देखिए, पुलिस के मुताबिक भारत को बदनाम करने की साजिश जिन पन्नों पर लिखी गई थी उसी को इन लोगों ने टूलकिट का नाम दिया था, और किसान आंदोलन की आड़ में भारत विरोधी साजिशों को हूबहू उसी ढंग से अंजाम दिया जा रहा था जैसा उस टूलकिट में इंस्ट्रक्ट किया गया था। और अब आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करती हूं जो भी मैंने कहा वो कैसे इससे कनेक्ट करता है। पुलिस को टूलकिट 4 फरवरी को ट्विटर पर मिला, जिसमें यह साफ शब्दों में लिखा था कि 26 जनवरी से पहले, ध्यान से सुनिएगा, भारत के खिलाफ एक डिजिटल स्ट्राइक करनी है। इसके लिए हैशटैग को ट्विटर पर ट्रेंड कराया जाना था और फिर 23 जनवरी की तारीख को ट्वीट स्टॉर्म इसके लिए इंस्ट्रक्ट किया गया था। यानी इस दिन दुनिया भर में भारत विरोधी ट्वीट करने की प्लानिंग थी और फिर 26 फरवरी को फिजिकल एक्शन डे के तौर पर तय किया गया था। फिर आप आगे आइए, पार्ट 2 क्या बताता है? भारत की संस्कृति को बदनाम करना।
इस पार्ट टू में साजिश के मकसद के बारे में बताया गया था। इसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश थी। इसमें भारत की पहचान योग और चाय, इसके बारे में दुष्प्रचार करने की योजना थी। भारत के दूतावासों को भी निशाना बनाने की इसमें साजिश जो है वो की गई थी। एक पार्ट, दो पार्ट, और ये टूलकिट कहला रहे थे। टूलकिट की जांच करते हुए पुलिस पहुंची निकिता जेकब नाम की एक महिला के पास। जांच आगे बढ़ी तो निकिता के राज खुलते चले गए। अब ये निकिता कौन है, इसके बारे में जानिए आप। पुलिस के मुताबिक निकिता ही टूलकिट की एडिटर थी। पुलिस ने टूलकिट के पन्नों को जब पलटा तो पाया कि किसान आंदोलन में हो रही सारी घटनाएं सिलसिलेवार ढंग से उसी तरह से अंजाम दी जा रही है जैसा कि टूलकिट में दर्ज है। इस टूलकिट में दिए गए समयबद्ध एक्शन पॉइंट और कार्यक्रम को जब दिल्ली में घटित वास्तविक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो बात प्रत्यक्ष रूप से दिखी कि दिए गए एक्शन प्लान को हुबहू निष्पादित किया गया और अमल में लाया गया। भारत के खिलाफ इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश के पन्ने मिलने के बाद पुलिस ने इसकी जांच की और ये पाया कि इसके तार भले ही कई देशों में फैले हों, लेकिन साजिश के पन्ने भारत में ही गुपचुप ढंग से तैयार हो रहे हैं। पुलिस की जांच में सबसे पहले जो नाम सामने आया वो था ये चेहरा। ये है निकिता जेकब। निकिता मुंबई में वकील है और एक एनजीओ से भी जुड़ी हुई है। पुलिस के मुताबिक निकिता के तार खालिस्तान समर्थकों से जुड़े हैं। निकिता के बारे में आपसे कुछ देर पहले मैंने आपको ये बताया कि टूलकिट की जांच करते हुए जब निकिता जेकब के पास पहुंची पुलिस, जांच जब आगे बढ़ी तो राज खुलते चले गए इस महिला निकिता के बारे में। पुलिस के मुताबिक निकिता ही टूलकिट की एडिटर थी। पुलिस को इसके पास से दो लैपटॉप मिले हैं, एक आईफोन मिला है। जांच में ये पाया गया है कि निकिता के तार खालिस्तान समर्थित पोएट्रिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन वही शख्स चलाता है जिसका फाउंडर जो है मो धालीवाल है, और निकिता मो धालीवाल के संपर्क में थी। मो धालीवाल कैनेडा का कोई पुनीत है जिसके जरिए निकिता के संपर्क में आया। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर भारत को बदनाम करने का पूरा ताना बाना जो है वो तैयार किया था। 11 जनवरी को मो धालीवाल, निकिता, शांतनु और दिशा और कनाडा का पुनीत, इसके अलावा कुछ और खालिस्तानी समर्थक, ये सब जूम मीटिंग के जरिए एक दूसरे से मिलते हैं, जिसमें किसान आंदोलन को हथियार बनाकर भारत को बदनाम करने की साजिश का एक पूरा खाका जो है वो बनाया जाता है। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहां तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। पुलिस का मानना है कि निकिता, दिशा और शांतनु तीनों ही किसान आंदोलन के बहाने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे थे और वो खालिस्तान समर्थकों के इशारे पर काम कर रहे थे। टूलकिट को लेकर पुलिस की जांच में सामने आया है कि निकिता, दिशा और शांतनु ने मिलकर टूलकिट तैयार किया और शांतनु के ईमेल अकाउंट से गूगल डॉक्यूमेंट शेयर हुए। इन लोगों ने आपस में बात करने के लिए 6 दिसंबर को एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किया था। पुलिस को अब शांतनु और निकिता की तलाश है क्योंकि इन दोनों के हाथ आने के बाद इस साजिश के और चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं। क्योंकि पुलिस को शक है कि टूलकिट वाली अंतर्राष्ट्रीय साजिश में कई चेहरों और कई मोहरे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि साजिश का मकसद भारत को चोट पहुंचाना था। मकसद यह था कि टूलकिट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड के जो हमारी एम्बेसीज बाहर, इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए, और इसलिए जो भी बड़े जैसे इनकी फॉलोइंग ज्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। पुलिस अब तक सिर्फ दिशा को गिरफ्तार कर बेंगलुरु से दिल्ली लाई है।
इस मामले पर बेंगलुरु में दिशा के माता पिता ने फिलहाल चुप्पी साध ली है। हालांकि कुछ छात्र संगठन दिशा की गिरफ्तारी का विरोध जरूर कर रहे हैं। इस साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम उसके घर के पास मौजूद है और परिवार से एबीपी न्यूज ने बातचीत करने की भी कोशिश की, हालांकि परिवार जो है वो फिलहाल एबीपी न्यूज से बात नहीं कर रहा है। आरोप ये लग रहा है कि जो टूलकिट था किसान आंदोलन को लेकर ग्रेटा थंबर्ग के लिए जो बनाया गया था, उसे एडिट करने में सबसे पहली भूमिका जो है वो दिशा रवि ने निभाई थी और इसी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके जो पापा है वो मैसूर में रहते हैं और यहाँ पर अपनी माँ के साथ रहती है। वहीं निकिता और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है, लेकिन अब तक दोनों पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर है। निकिता मुंबई में अपने घर पर मौजूद भी नहीं है। मुंबई के गोरेगांव इलाके में इसी रहेजा शेरवुड बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर निकिता जैकब अपने परिवार के साथ रहती हैं। 11 फरवरी के दिन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम यहां पर पहुंची हुई थी और निकिता जैकब का बयान दर्ज किया था। निकिता जैकब के लीगल टीम के मुताबिक उनका लगभग 10 से 11 घंटे का पूरा बयान दर्ज किया गया। इसके साथ ही कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे, डिवाइसेज, वो भी दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम अपने साथ लेकर गई और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। निकिता गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रही है। उनके वकील की दलील है कि पुलिस निकिता से 11 फरवरी को 13 घंटे की पूछताछ कर चुकी है और वो जांच में सहयोग कर रही है। हम लोग उच्च न्यायालय पे अभी छोड़ देते हैं, बाकी दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर या सेशंस कोर्ट के ऊपर जो भी जहां पे भी वो केस दायर करेंगे, जुडिशरी पे हमें और निकिता पे भी, निकिता को भी पूरा भरोसा है। बाकी कोर्ट जो भी तय करेंगे वो हमारे मान्य रहेगा। दिशा कुछ आप कहें? पुलिस दिशा को गिरफ्तार कर चुकी है। भारत विरोधी एक बड़ी साजिश की परतें एक एक करके खुल रही है। किसान के कंधे पर सवार होकर देश की शान से खिलवाड़ करने वाले बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इस पूरे मामले पर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बंदे, 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 बंदे। कि कैसे देश को बदनाम करने की साजिश के चलते दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के पास पुख्ता सबूत है और इन्हीं पुख्ता सबूतों के आधार पर दावा कर रही है कि गिरफ्तार दिशा और फरार निकिता और शांतनु का न सिर्फ कनेक्शन है खालिस्तान के समर्थकों से, बल्कि उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की साजिश की पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार की थी। लेकिन इसके बाद भी दिशा की गिरफ्तारी को लेकर सियासत हो रही है और ये सियासत दो फाड़ हो रही है। कांग्रेस दिशा के साथ ही खड़ी हुई नहीं है, बल्कि पूरा गांधी परिवार यानी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा दिशा के समर्थन में नजर आ रहे हैं। एक बार सियासत के गलियारे में तलवारें निकली तो फिर सड़क पर भी इसका असर दिखा। दूसरी तरफ पुलिस ने ऐसे सबूत मिलने का दावा किया है कि पूरे केस के तार खालिस्तान समर्थकों के साथ साथ, ध्यान से सुनिए, ISI से भी जुड़ रहे हैं। लेकिन ISI का नाम आने पर भी दिशा मामले पर सियासत रुकी नहीं। टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए, वर्ल्ड वाइड इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। दिशा की गिरफ्तारी पर गदर, दिशा से बदला राजनीति का रंग। जो लोग उस पर विलाप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अपनी राजनीतिक रोटी इस पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो देश के साथ, देश की अखंडता और देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिशा की गिरफ्तारी के बाद से किसान आंदोलन की आड़ में चल रही भारत विरोधी साजिशों का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। पुलिस ने भी ये साफ कर दिया है कि इस आंदोलन को खालिस्तान समर्थक हथियार बनाकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
मकसद यह था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड के जो हमारे एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। एक तरफ पुलिस का दावा है कि दिशा और उसके साथी भारत को बदनाम करने की साजिश को अंजाम दे रहे थे, उधर कांग्रेस इनके बचाव में है। हैरानी की बात यह है कि दिशा के बचाव में राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका, यहां तक कि रॉबर्ट वाड्रा तक उतर आए। मैं ये कहूंगी कि शर्म आनी चाहिए सरकार को अगर एक 21 साल की लड़की से घबराते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है जो टूल किट तैयार की थी जिसकी वजह से देश का बदनामी हुई है, उनको सिर्फ हरास किया जा रहा है। आई डोंट थिंक इट्स अ डेमोक्रेटिक चीज नहीं है यहाँ, जो अगर इसको हम अपने देश को डेमोक्रेसी बुलाते हैं कि कोई भी बोलेगा तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, मेरे को लग रहा है बिल्कुल गलत है। प्रियंका और वाड्रा कैमरे पर दिशा के बचाव में खड़े हुए तो राहुल गांधी ने ट्विटर पर मोर्चा संभाला। राहुल ने दिशा की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आजादी तक से जोड़ दिया और सरकार पर कई आरोप लगाए। दिशा के समर्थन में राहुल ने लिखा, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं, राहुल गांधी। दिशा के साथ लगभग पूरा गांधी परिवार खड़ा हो गया, लेकिन पुलिस के आरोप बेहद संगीन हैं। ताजा जांच में तो यहां तक सामने आ रहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में देश को बदनाम करने की जो साजिश रची गई उसमें खालिस्तान के साथ साथ ISI तक का हाथ है, क्योंकि टूल किट की साजिश में पीटर पैट्रिक का नाम आया है। पीटर पैट्रिक टूल किट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पीटर खालिस्तान समर्थक भजन सिंह भिंडर का साथी है। भजन सिंह ISI के लिए काम करता था। पुलिस ने दिशा रवि पर देशद्रोह समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दूसरी ओर निकिता और शांतनु की तलाश जारी है, उन पर भी यही आरोप है। इस बीच ये बहस भी छिड़ गई है कि क्या पुलिस ने दिशा पर जिन मामलों में मुकदमा दर्ज किया है वो जायज है। कानून के जानकारों का मानना है कि किसी शख्स ने राजद्रोह जैसा अपराध किया है या नहीं, ये पुलिस को अदालत में साबित करना होगा और ये काम आसान नहीं है। अब ये अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट के बाद अगर ये कोई फर्दर मटेरियल मिलता है जिससे कि ये पता चले कि ये दिशा रवि या थुंगा ग्रेटर थुंगबर्ज ये इन्वॉल्व ही नहीं, ये कनेक्टेड भी हैं, वो पीस सीख फॉर जस्टिस या पोएटिक जस्टिस सोसाइटी से, तो बात दूसरी होगी। दिशा की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में उबाल नजर आ रहा है। सियासत की दुनिया दो खेमे में बढ़ गई है, लेकिन पुलिस 26 जनवरी की हिंसा के बाद से ही इसके तार जोड़ने में जुट गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर पुलिस की तारीफ भी की है। दिल्ली पुलिस को जितनी तरह तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है, मैं समझता हूं कि पूरे भारत में किसी अन्य शहर की पुलिस को उतने प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करना पड़ता। कोई विदेश से आ रहा है, कोई यह आ रहा है, यह कार्यक्रम हो रहा है, वह कार्यक्रम हो रहा है, विदेशी ताकतें भी कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस की यदि कोई मैसेज देना चाहती हैं अपनी नापाक हरकतों के द्वारा, तो दिल्ली को ही वो केंद्र बिंदु बनाती है। दिशा की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से सियासत में उबाल आया है उससे ये तय है कि अभी इस मुद्दे पर और राजनीति होनी बाकी है, क्योंकि इस मामले से जुड़े दो किरदार निकिता और शांतनु अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पेट्रोल डीजल के बाद अब रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आज दिल्ली में रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया और न सिर्फ हंगामा बल्कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी विचित्र अंदाज में। कुछ पैसा घटा है, नहीं तो हमारे पास तो कोई उपाय नहीं, बच्चों को लेके मरने का सबक तो कोई रास्ता ही नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तो पहले से ही आग लगी थी, बस रसोई गैस ही बाकी थी, तो आज से वो भी महंगी हो गई। दिल्ली में रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, यानी अब बिना सब्सिडी वाला 14.2 किलो का घरेलू LPG सिलेंडर जिसे आप अपनी रसोई में इस्तेमाल करते हैं
उसकी कीमत 769 रुपए हो गई है। इसके पहले ये एलपीजी सिलेंडर आपको 719 रुपए में मिलता था। रसोई गैस के दाम पर सरकार को घेरने के लिए आज कांग्रेस ने गैस सिलेंडर को सामने रखकर सरकार पर सवालों के तीर दागे। पेट्रोल का दाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है सरकार ने, और अब घरेलू गैस जिसको इनके दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। 10 दिनों के अंदर रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए कीमत का इजाफा हुआ है। 4 फरवरी को सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी थी, और अब से मतलब 15 तारीख को ये कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी गई है। और यही नहीं, दिसंबर 2020 मतलब 2 महीने के अंतर्गत ये कीमत 175 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ चुकी है, क्योंकि दिसंबर में आपको याद होगा 2 बार 50-50 रुपए की वृद्धि हुई थी। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूं, जिसे देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि पिछले साल 1 नवंबर से लेकर आज तक, यानी सिर्फ 3.5 महीने में कैसे एलपीजी सिलेंडर 175 रुपए महंगा हो गया। और सिर्फ 10 दिनों की अगर मैं बात करूं तो एलपीजी सिलेंडर के दाम में 75 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। 1 नवंबर 2020 इस दिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत थी 594 रुपए, 1 दिसंबर 2020 644 रुपए, 1 जनवरी 2021 694 रुपए, 4 फरवरी 2021 जब पिछली बार सिलेंडर के दाम बढ़े 719 रुपए, 15 फरवरी 2021 यानी आज का दिन 769 रुपए। ये तो वो आंकड़े हुए कि कैसे रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर के रेट तय कैसे होते हैं, तो आपको समझाती हूँ। एलपीजी सिलेंडर के दाम तय करने का पूरा फंडा जो है वो है क्या, दो चीजों पर यह निर्भर करता है। पहला, अंतरराष्ट्रीय मार्केट यानी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत क्या है। दूसरा, मुद्रा के एक्सचेंज रेट यानी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत क्या है। करीब हर 15 दिन में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। आपको घरेलू सिलेंडर में जो सब्सिडी दी जाती है उस सब्सिडी की रकम में भी हर महीने बदलाव होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ते हैं तो सरकार ज़्यादा सब्सिडी देती है, जब दाम घटता है तो सब्सिडी में कटौती हो जाती है। राज्य सरकारों के अलग अलग टैक्स के चलते भी राज्यों के बीच कीमतों में अंतर आ जाता है। और यहाँ ये जानना आपको ज़रूरी है कि सरकार आपको एक साल में एलपीजी के 12 सिलेंडर्स पर सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी सीधे कंज्यूमर के बैंक खाते में जाती है, यानी आपके बैंक खाते में आती है। तय लिमिट से ज़्यादा एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल करने पर आपको बाकी सिलेंडर्स में सब्सिडी नहीं मिलती है, ये रूल है। तो पूरा अर्थशास्त्र आपको समझ में आ गया होगा उस एलपीजी सिलेंडर का जिसे आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जिसके दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी संसद में यही गणित समझाई थी। टुडे द इंटरनेशनल क्रूड प्राइस इज $61। दिस इज अ इशू वी हैव टू टैकल विद अटमोस्ट केयर। स्टेट्स आर रिस्पांसिबल, यूनियन गवर्नमेंट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दिस टैक्स इशू। वी हैव रेज्ड द एक्साइज ड्यूटी, सो स्टेट हैव रेज्ड द वैट आल्सो। बोथ द गवर्नमेंट आर रेजिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन डेवलपमेंटल नीड इन देयर रेस्पेक्टिव टाइम। एंड sometime government of india has also reduced the last 2 years we have reduced last 3 years from 18 onward we have reduced excise duty also। अब सवाल ये उठता है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम घटते हैं तब भी लोगों को राहत महसूस क्यों नहीं होती। आज कांग्रेस ने इसे लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। सरकार आपदा में अवसर ढूंढती है, और अवसर ढूंढने का उन्होंने ये काम किया है कि निरंतर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान दर्जन बार से ऊपर इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर करीब करीब 24 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। जो मेरा मानना है कि ये 24 लाख करोड़ एक्चुअली जनता का हक था। दिक्कत ये है कि रसोई गैस के दाम में ये बढ़ोतरी ऐसे वक्त में हुई है जब पेट्रोल और डीजल के दाम पहले ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश में लगातार 7वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 88.99 रुपए है। वहीं सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्री गंगानगर में है, जहां पेट्रोल की कीमत 99.56 रुपए प्रति लीटर है।
वैसे प्रीमियम पेट्रोल की कीमत तो कई जगह 100 रुपए के पार पहले ही पहुंच चुकी है। कोरोना की वैक्सीन लगाने का दूसरा चरण कई राज्यों में शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद अब अगले महीने से 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन वैक्सीन को लेकर कुछ अफवाहों ने लोगों के मन में शक पैदा कर दिया है और इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है और इसी को दूर करने के लिए आज स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मोर्चा संभाला। अभी तक आज की तारीख तक एक भी जो डेथ है वो कोविड के वैक्सीनेशन के कारण सारे देश के अंदर नहीं हुई है। तो साफ साफ सुन लीजिए, देश में भले ही वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों के मन में संदेह अभी भी है, लेकिन आज देश के स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात साफ कर दी कि वैक्सीन की वजह से देश में किसी की मौत नहीं हुई है। और इसी के साथ आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये भी बता दिया कि वैक्सीन को लेकर सरकार का अगला प्लान क्या है। मार्च में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले देश में अब तक 85 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आज शाम 6 बजे तक कुल 85,16,316 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स दोनों शामिल हैं। वेरी सून आई थिंक इन अनदर 2 वीक्स फ्रॉम नाउ मे बी 3 वीक्स फ्रॉम नाउ वील स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन टू द थर्ड मेजर ग्रुप विच इज द ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटिंग 26 करोड़ पीपल ऑल दोज हु आर अबव 50। भारत में कुल 96,31,637 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों शामिल हैं। आज सुबह तक 60,57,162 हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली खुराक मिल गई है, जबकि 97,732 हेल्थ वर्कर्स ने अपनी दूसरी डोज ले ली है। फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें तो आज शाम 6 बजे तक 23,61,491 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। देश में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या अब तक कम है, तो इसके पीछे कुछ कारण है। सरकार के मुताबिक इसके पीछे 3 वजह हैं। हर राज्य में वैक्सीनेशन के दिन तय हैं, यानी हर दिन हर राज्य में वैक्सीन नहीं लग रही है। एक साथ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है। दूसरी डोज पहली खुराक के 4 से 6 हफ्ते में ली जा सकती है। फिलहाल भारत में हर दिन वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और उम्मीद है कि ये आंकड़ा आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। तो आपको कोरोना को भगाना है और साथ में अफवाह को भी। विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से ओपिनियन पोल के जो आंकड़े नतीजे हैं आपके सामने रखेंगे। बंगाल में इस बार किसकी हवा बह रही है? क्या ममता बनर्जी को एक बार फिर से बंगाल की सत्ता मिलने जा रही है या फिर बीजेपी उनका किला ढा देगी? इसे लेकर हम आपके सामने एक ओपिनियन पोल रखने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज के लिए ये ओपिनियन पोल दिल्ली की एक रिसर्च और सर्वे एजेंसी CNX ने किया है। ये सर्वे लोगों से आमने सामने बात करके तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल की 294 में से 112 सीटों पर हुए इस सर्वे में 8,960 लोगों से बात की गई है। सर्वे 23 जनवरी से 7 फरवरी तक किया गया है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर -3% है। तो सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी का जो है दबदबा है, कितनी फीसद वोट मिलने का अनुमान है। CNX के इस सर्वे में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि चुनाव में ममता को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और बीजेपी को कितने सीटें मिल सकती है। लेकिन शुरुआत वोटों से करते हैं। बंगाल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, जब ये सवाल हमने पूछा तो किस इलाके में किसे कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, हम आपको एक एक करके दिखाने जाएंगे। ये देखिए, TMC को 41% वोट मिल सकते हैं, बीजेपी के खाते में 37% वोट आ सकते हैं, लेफ्ट और कांग्रेस चूंकि मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं 17% वोट उनके खाते में,
AIMIM 1% और अन्य के खाते में 4%। बंगाल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है? टीएमसी बाजी मारते हुए प्लस माइनस 5 अगर आप करें तो 151 टीएमसी को, बीजेपी को 117 और लेफ्ट और कांग्रेस दोनों 24 सीटें जीत सकती है। अदर्स के खाते में 2 सीटें आ सकती है। भूकंप की तीव्रता, हालांकि भूकंप आने के बाद लोग डर के मारे घर से बाहर निकल आए हैं। भूकंप की तीव्रता कम बताई जा रही है लेकिन एग्जैक्टली कितनी है इसका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, भूकंप के झटके महसूस करने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। अब खबर आ गई है, 3.5 मापी गई है तीव्रता भूकंप की रिक्टर स्केल पर। नालंदा के पास में एपिसेंटर बताया जा रहा है, पटना में ये भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता कम थी 3.5, इसीलिए किसी नुकसान की आशंका कम है। ABP News आपको रखे आगे।